साल 2018 के प्रतिष्ठित नोबल पुरस्कारों की सूची में पहली घोषणा मेडिसिन के क्षेत्र में हुई है। नेगेटिव इम्यून रेगुलेशन के इनहिबिशन के जरिए कैंसर थेरेपी की खोज के लिए संयुक्त रूप से नोबल पुरस्कार अमेरिका के जेम्स पी एलिसन और जापान के तासुकु होंजो को दिया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों को कैंसर थेरेपी की खोज के लिए यह सम्मान मिला है। कैंसर की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए दोनों ने ऐसी थेरेपी विकसित की है जिससे शरीर की कोशिकाओं में इम्यून सिस्टम को कैंसर ट्यूमर से लड़ने के लिए मजबूत बनाया जा सकेगा। दोनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार राशि के तौर पर $1.01 मिलियन यानी कि लगभग 7.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 10 दिसंबर 2018 को स्टॉकहोम में किंग कार्ल 16 गुस्ताफ के हाथों एक औपचारिक कार्यक्रम में यह इनाम मिलेगा। नोबल पुरस्कारों की शुरुआत करने वाले अल्फ्रेड नोबल की बरसी के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार साहित्य का नोबल पुरस्कार नहीं दिए जाने का ऐलान किया गया है। बीते 70 सालों में ऐसा पहला मौका है जब साहित्य का नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।